चाहिए कि दिन में 20 मिनट कम से कम, डिपेंडिंग ऑन योर एज या क्या है, 20 मिनट आप एक हेल्दी एक्टिविटी करें। चाहे जो लोग वॉक कर सकते हैं वो वॉक करें, जो जॉग कर सकते हैं वो जॉग करें, इवन अगर आप हंस सकते हैं, कोई जॉयफुल एक्टिविटी फॉर 20 मिनट्स अ डे आपने जरूर करनी। और सबसे जरूरी चीज है आपका दिमाग, आपकी सोचें कि आप क्या सोचते हैं, आप कैसा सोचते हैं। अगर आपके दिमाग में मनफी सोचें होंगी तो उससे किसी और को कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपको होगा, बिकॉज वो आपकी बॉडी में, आपके जिस्म में उसका असर होगा। अगर आपके दिमाग में मुस्बत सोचे होंगे, पॉजिटिव सोचे होंगे, सो वो आपकी बॉडी पे उसका असर होगा एंड यू विल फील हैप्पियर एंड हेल्थियर। मुश्किल काम है लेकिन वक्त लगाना पड़ता है। दिन में थोड़ी देर आप बैठ के आराम से आंखें बंद करके अपनी सांस पे फोकस करके 10 गहरी सांसें लें, 20 लें, 30 लें, 15 मिनट, 20 मिनट, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, बिकम अवेयर ऑफ योर थॉट्स कि मेरी सोचें कहाँ जा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ आप अपनी सोचें जो है उनको चेंज करना स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू फीलिंग एंग्री, एंग्शियस, इफ यू फीलिंग लो, इफ यू फीलिंग डाउन, इफ यू फीलिंग स्केयर्ड, कोई डर है, खौफ है, तो आप माइंडफुलनेस के जरिए उसको दूर कर सकते हैं एंड यू कैन फील बेटर एंड ऑप्टिमल एंड गुड अगेन। So these are some things that I practice, I follow for a wholesome life. Unch neech zindagi mein aati rehti hai, mushkilein aati rehti hain, har kisi ki zindagi mein aati hain, lekin insaan un mushkilon ka kaise, un adversities ka kaise samna karta hai, agar wo positivity ke saath kare na, kyunki negativity ko ek hi cheez hara sakti hai, wo hai positivity. To agar aapke saath koi aapko koi buri baat bhi kahe, aapki taraf koi buri cheez bhi aaye, तो आप अगर उसको हंस के पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे ना, तो वो क्रिंग करके जादू की तरह गायब हो जाएगी। ये मेरा आजमाया।